उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लगातार कार्टून्स के जरिए विपक्ष को निशाने पर ले रही है। इसी क्रम में यूपी बीजेपी ने 2 अक्टूबर को एक कार्टून सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिसे समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाने के तौर पर देखा जा रहा है। बीजेपी उत्तर प्रदेश ने कार्टून ट्वीट करके कहा, एक लड़के ने अपने पिताजी से उनकी साइकिल छीन ली, फिर उस साइकिल का बुरा हाल करके छोड़ दिया। इसके आगे पार्टी ने लिखा है, अब वो लड़का 22 साइकिल के ख्वाब देख रहा है, जो एक ना संभाल पाया वो 22 क्या संभालेगा, 22 नहीं बबुआ, ना यकीन हो तो एक बार बुआ से पूछ लो। हाल ही में यूपी बीजेपी ने एक कार्टून के जरिए कांग्रेस पर भी निशाना साधा था। बीजेपी ने इस कार्टून को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार के कांग्रेस में शामिल होने के मामले में जोड़कर देखा गया था। हालांकि बीजेपी इस कार्टून वॉर का जवाब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी दिया। गांधी जयंती के मौके पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए लखनऊ के खादी ग्रामोद्योग आश्रम पहुंचे अखिलेश यादव ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा, जो लोग विपक्षी नेताओं का कार्टून बना रहे हैं, जनता उनका कार्टून बनाने के लिए तैयार है। ये जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी के लोग मजाक करते हैं और कार्टून के बहाने लोगों को अपमानित कर रहे हैं, कभी किसानों का कार्टून बना के अपमानित कर रहे हैं, कभी राजनेताओं का कार्टून बना के मजाक कर रहे हैं, उनका अपमानित कर रहे हैं। एक दिन बहुत जल्दी आने वाला है कि इनका भी कोई ना कोई कार्टून बनाएगा और जनता इनका कार्टून बनाने के लिए तैयार है और ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इनके कार्टून बनाने की। लखनऊ से संतोष शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।